युजवेंद्र चहल की जगह उनकी पत्नी धनश्री वर्मा चहल को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। नहीं नहीं वर्ल्ड कप टीम में नहीं, वर्ल्ड कप के प्रोसेस में शामिल कर लिया गया है। एक ऑफिशियल नेशनल एंथम आया है जहां पर धनश्री परफॉर्म करती नजर आ रही है। अब यकीन मानिए, संजू सैमसन के बाद अगर मुझे जेन्युइनली किसी इंसान के लिए दिल से बुरा लग रहा है तो वो शख्स है युजवेंद्र चहल। और मैं कई वीडियो से पहले भी कह चुका हूं कि यजू भाई के साथ गलत हो जाता है। वो साल भर मैच खेलते हैं और जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट सीरीज आती है उन्हें कहा था कि आप बाहर बैठे, थैंक यू सो मच। उन्हें एशिया कप में नहीं खिलाया गया, एशियन कप में वो भी नहीं नजर आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में खिलाया गया था वहां बाहर बिठाए गए थे, अश्विन खेल रहे थे। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती आ गए थे। सो बैक टू बैक 2020-21 के बाद से वो साल दर साल बाहर बैठ रहे हैं और लगातार बाहर बैठ रहे हैं। ये अलग बात है कि इन्हीं चहल के नाम 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में विराट कोहली से ज्यादा बाउंड्रीज है। हाँ, इन्होंने एक मारी थी, विराट ने शायद एक भी नहीं मारी थी, लेकिन जोक सपाट। धनश्री को इसमें शामिल कर लिया गया और धनश्री हम सब जानते हैं कि एक अच्छी डांसर है, बट क्रिकेट टीम और उससे बड़ा एक्सपोजर जो है वो चहल भाई की वजह से था। और खुद बहुत अच्छी डांसर वैसे वो हैं, लेकिन रणवीर सिंह के साथ परफॉर्म कर रही हैं तब जब चहल इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं, और लोग कह रहे हैं यार दिल से बुरा लगा। अभी जो गाना है जिसमें धनश्री परफॉर्म कर रही है, दिल जश्न बोले, प्रीतम दा ने इसे बनाया है और काफी लोगों ने गाया है। नकाश अजीज हैं, श्रीराम हैं, अमित मिश्रा हैं, जोनिता गांधी हैं, वही जो प्रीतम की इर्द गिर्द वाली टीम है अरिजीत सिंह को छोड़ के बाकी सब, वो सब ने मिलकर इसमें गाना वाना गाया है और डांस वांस अच्छा चल रहा है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत ही एवरेज सॉन्ग लगा ये, मतलब मैं बहुत खुश नहीं हुआ इस गाने को देख के। वो जो क्रिकेट की एक फील आती है ना यार, एक्स्ट्रा गूज बम्प वाली नहीं थी। मतलब वो गाना था ना जियो खिलाड़ी, वो सब गाने थे, या फिर देख घुमा के, वो सब थोड़ा सा जोश पावर पैक्ट वाले थे। ये थोड़ा सा मतलब हाँ, फिल्मी गाने और इन चीजों में बड़ा अंतर होता है। और मैं पर्सनली, मैंने बहुत एंजॉय नहीं किया इस गाने को, मैं इस गाने से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, उतना ही डिसअपॉइंटेड हूँ जितना युजवेंद्र चहल डिसअपॉइंटेड हैं और जितना उनको लेकर बातें चल रही हैं। जैसे हरभजन सिंह ने कहा कि शायद युजवेंद्र ने किसी से लड़ाई कर ली है या किसी से कोई पंगा हो गया, किसी कुछ कह दिया है, क्योंकि वो फिलहाल स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी कई खिलाड़ी जैसे ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, जो मेन टीम का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी मौका दिया गया, लेकिन चहल को दूर दूर तक नहीं रखा गया। वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया गया क्या वो खेल लो, अश्विन आ गए, 6 साल में अश्विन ने 2 मैच खेले, उनको भी लाया गया, लेकिन चहल को कहा गया बाबू तुम साइड हो जाओ। हालांकि अभी 28 सितंबर तक टीम में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन चांसेस नहीं लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि चहल दूर दूर तक हैं। और रणवीर सिंह के साथ जब उनकी पत्नी के डांस वाला वीडियो आया तो फिर लोगों को और थोड़ा सा लगा कि यार चहल भी ये वीडियो देख रहे होंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि वाइफ हैं ऑब्वियसली, उनकी सक्सेस में ये भी इन्वॉल्व होंगे। हालांकि चहल की मैरिज लाइफ को लेकर बहुत सारी अनाप शनाप बातें जो है सोशल मीडिया पर लोग करते हैं, और कई उनके फैंस भी डिमांड करते हैं कि चहल को उनके खिलाफ केसेस करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती कई बार तो अय्यर को लेकर, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती, तो वो थोड़ा सा पता नहीं इसमें क्या कहानी है। लेकिन जो भी है, चहल की लाइफ में काफी चीजें रही, मतलब बींग ये, मतलब संजू सैमसन और चहल होना इतना आसान नहीं है, मुझे लगता बहुत टफ है दोनों की जगह सोचना। यार सोचिए ना, ना आप नेशनल टीम में है, ना आप एशियन टीम में है, ना बैकअप टीम में है, ना आपको एशिया कप में खिलाया जा रहा है, कहीं है ही नहीं आप। और दोनों की किस्मत देखिए, दोनों एक ही टीम में आईपीएल में खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स में। मतलब चहल तो प्रीमियम बॉलर थे 2016 के बाद से, लेकिन उसके बाद सडनली आउट ऑफ द ब्लू उन्हें गायब कर दिया गया। हालांकि चहल काउंटी खेलने गए हैं और काउंटी में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट निकाले, और खबर आ रही है कि एशियन गेम्स में शायद उनको लेके बातचीत चल रही है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि एशियन गेम्स में भी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनको अगर करना होता तो वहां तो नए नए लड़के थे, चहल काफी पुराने हैं वहां तो भी मुश्किल। हालांकि चहल वापसी कर लेंगे, मुझे लगता है कुलदीप को भी ऐसे ही साल 2 साल इग्नोर किया गया था, कुलदीप यादव कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें तो आईपीएल की टीम में भी नहीं खिलाया जा रहा था, मुझे याद है वरुण चक्रवर्ती परमानेंट हो गए थे क्योंकि यार उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, फिर सडनली वो जगह बनाते हैं। हरभजन सिंह ने ये तमाम बातें कही हैं और हरभजन सिंह ये लगातार कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि
चहल को क्यों नहीं चुना गया। भज्जी कहते हैं कि चहल का नाम होना चाहिए था, वो जगह डिजर्व करते थे, उन्हें मौका ना मिलना मेरी समझ से परे। और मुझे लगता है कि या तो उन्होंने कहीं लड़ाई लड़ी है या कुछ पंगा कर लिया है, कहीं तो कुछ उनके लिए इश्यू हुआ है। लेकिन जो भी है, अब ठीक है, उनके वापसी होनी चाहिए थी। हरभजन कहते हैं कि टीम इंडिया गलती सुधारने के जगह एक और गलती कर रही है, अक्षर पटेल की जगह वो बैक टू बैक जो प्लेयर्स ला रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। वॉशिंगटन सुंदर या अश्विन, उनसे पहले उनका मानना है कि जगह जो है वो चहल की डिजर्विंग है। चहल वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और आपके सबसे प्रीमियम स्पिनर हैं, बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा विकेट वो निकालते हैं। वैसे आईपीएल में भी अगर आप देखोगे तो चहल ने ज्यादा विकेट निकाले थे वॉशिंगटन सुंदर अश्विन से। हाँ, चहल के अगेंस्ट में ये बात जाती है कि चहल बैटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैटिंग तो कुलदीप भी नहीं कर पाते हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो आप खिला रहे हैं। और कुछ तो पंगा हुआ है चहल की जिंदगी में, और चहल की लाइफ में चारों तरफ से इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि उनकी वाइफ ने उनके लिए अच्छा पोस्ट डाला था जब उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था, और हम सब भी चाहेंगे कि चहल भाई जो है वापसी करें। लेकिन आपको क्या लगता है, हरभजन ने जो बातें कही इसको लेकर क्या सोचते हैं आप, और जो उनकी वाइफ का प्रोमो आया है, चहल क्या सोच रहे हैं?